हेलो फ्रेंड्स, सवाल आपके जवाब हमारे। इस सीरीज में आज हम जवाब देंगे रेखा, फरहाना और हमारे कुछ और व्यूअर्स का, जो ये जानना चाहते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के बाद एक्सरसाइज कब स्टार्ट करी जा सकती है। तो अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज को दो भागों में बांटेंगे। एक होती है सिंपल लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस और एक होती हैवी एक्सरसाइजेस। सिंपल एक्सरसाइजेस मतलब वो रहती है कि जिसमें हमारी बॉडी पे, हमारी मसल्स पे कोई खास प्रेशर नहीं पड़ता है। इन सिंपल एक्सरसाइज को हम लोग इमिडिएटली सिजेरियन के बाद जैसे ही हमें ठीक लग रहा है उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं इनफैक्ट जिन्हें आप हॉस्पिटल के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। पेल्विक फ्लोर मतलब जो हमारे कूल्हे की हड्डी के आसपास की जो मसल्स हैं उनकी अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो इन्हें बोला जाता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। जब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पेशाब की नली लगी हुई है, उसके निकलने के तुरंत बाद से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करी जा सकती हैं। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें योनि मार्ग यानी कि बाथरूम के रास्ते को सिकोड़ना है। जितना आप सिकोड़ सकते हैं उसे सिकोड़िए, हल्के से रोकिए जितना देर आप कंफर्टेबली रोक सकते हैं और उसे फिर रिलीज कर दीजिए। फिर सिकोड़िए, रोकिए और उसके बाद आप उसे छोड़ दीजिए। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस जो रहती हैं वो पेशाब की थैली, अंतड़ियों और बच्चेदानी, यहाँ की मसल्स को ताकत देती हैं। तो अक्सर वो महिलाएं जिन्हें सिजेरियन के बाद यूरिन लीक यानी कि अपने आप पेशाब का निकल जाना या पेशाब पे कंट्रोल ना रहना, क्योंकि बॉडी में कुछ हार्मोन चेंजेस रहते हैं, या फिर जब हम पेशाब की नली डालते हैं तो उस वजह से मसल्स थोड़े टाइम के लिए वीक हो जाती हैं, ये समस्या अगर उनको है तो ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस से हम लोग इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही हमें ठीक लगता है, आजकल तो इनफैक्ट 8 से 10 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 12 से 18 घंटे में ही एम्बुलेशन यानी कि सिजेरियन के बाद चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे अपने चलने की लिमिट को बढ़ाते चले जाइए। जैसे अगर आप पहले 10-15 मिनट चल रहे हैं तो फिर धीरे धीरे उसे आधा घंटा, फिर 1/4 घंटा और धीरे धीरे करते हुए 1 घंटा लेकर जाइए और इसके साथ साथ अपनी स्पीड भी बढ़ाते चले जाइए। एक चीज का खास हमें ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी करते टाइम आपको अगर किसी भी तरीके का पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इसके अलावा कोई और तकलीफ है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी। आप हफ्ते के बाद, सिजेरियन के 1 हफ्ते के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग करते टाइम इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पेट पे, क्योंकि वहां पे टांके हैं और टांकों को सूखने में कम से कम 1.5 महीना लगता है, तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें जिससे हमारे पे पेट के ऊपर असर पड़े। तो सिंपल सी एक्सरसाइजेस हम सभी लोगों ने अपने स्कूल में पीटी किया है, तो हम वो लोग लाइट एक्सरसाइजेस जिसमें हम लोग अपनी हैंड की मूवमेंट्स, आर्म की मूवमेंट्स या नेक मूवमेंट्स करते हैं, इन्हें करना चाहिए। ये हमें जॉइंट्स को भी फ्री करते हैं और रिलैक्सेशन में भी मदद करते हैं। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि वो ब्रीदिंग जिसमें हमारे को अपने सीने में हवा भरनी है उसे रोकना है और धीरे धीरे एक्सहेल करिए, इस एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करिए। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इमिडिएटली डिलीवरी के बाद जब एक नया बच्चा हमारी लाइफ में आता है, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी केयर और उसके साथ साथ हम लोग जो पोस्ट डिलीवरी अपनी बॉडी में चेंजेस को महसूस करते हैं, उसके चलते हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, रिलैक्स नहीं हो पाते हैं और हमेशा एक थकावट सी बनी रहती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और नेक एक्सरसाइजेस से हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे हम लोग या पोस्टपार्टम ब्लूज भी कई बार बोलते हैं, इसके चलते जो हमारे मूड में हल्का चिड़चिड़ाहट या दुखी रहना या थोड़ा सा गुस्सा जो हमें आता है डिलीवरी के बाद, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब 1.5 महीने के अंदर में हमारी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, यूट्रस में स्ट्रेंथ आ जाती है, तो उसके बाद हम लोग बाकी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेकिन बाकी की एक्सरसाइजेस करते टाइम भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम एकदम से हैवी एक्सरसाइजेस में नहीं जाएं, स्टार्ट करें लाइट एक्सरसाइजेस से, अपना स्टेमिना बढ़ाएं और धीरे धीरे जैसे हमारा स्टेमिना बढ़ता चला जा रहा है, हमारी बॉडी यूज टू होती चली जा रही है एक्सरसाइजेस में, फिर हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस में जा सकते हैं। तो 6 वीक्स के बाद आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए। हम लोग पहले ही हल्का वॉकिंग रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन अभी आप 1.5 घंटे से 1 घंटे की वॉकिंग करिए और धीरे धीरे वो वॉकिंग की स्पीड को बढ़ाते हुए लाइट जॉगिंग की तरफ, और 1-1.5 महीने में फिर हम लोग कंप्लीट जॉगिंग में भी जा सकते हैं।
अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है जिसमें हमारी सारी बॉडी की मसल्स भी यूज होती हैं, हमें एक मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग भी 1.5 से 2 महीने के बाद स्टार्ट करी जा सकती है। लेकिन एक खास बात जिसमें हमें नोटिस करने की रहती है कि स्विमिंग करते टाइम आप ये श्योर कर लें कि योनि मार्ग से यानी कि वजाइना से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं लोकिया, वैसे तो 6 से 8 हफ्ते में जो लोकिया होता है पोस्ट डिलीवरी वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी फीमेल में ये थोड़ा सा लंबा भी चल जाता है। तो अगर आपको वो परेशानी दे रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, जानने की कोशिश करें कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है और उसे ठीक करें, उसके बाद ही स्विमिंग स्टार्ट करें। योगा स्टार्ट आप कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस में पिलाटे भी आता है, पिलाटे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और 1.5 से 2 महीने में जैसे ही हमारा एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है, फिर हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस जिसमें हम लोग बोलते हैं जॉगिंग में, या आप वर्कआउट्स जिसमें हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, या फास्ट एक्सरसाइजेस जैसे एरोबिक्स या जुम्बा भी कर सकते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम को एंजॉय करते हैं बिना किसी टेंशन के, टाइम दीजिए, आपकी बॉडी वापस शेप में आ सकती है बिना किसी स्ट्रेस के, लेकिन नेचर के कुछ रूल्स को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल जवाब हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए। हम कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम हम आपके सभी सवालों का जवाब देते रहें। थैंक यू।